Guys. Oh. Shit. Crash. First time चलाई थी 90. ओ भाई ये क्या है? पता लगा? 153 चढ़ाई मैंने. चढ़ा ली? कैसी लगी? फर्स्ट हेलमेट उतार के एक्सपीरियंस चेक करना चाहता हूँ मैं. सो वेलकम बैक टू दी चैनल. तो कैसे हो आप सब गाइज? तो जा रहे हैं हम कहाँ शूट करने? व्लॉग शूट करने जा रहे हैं. हेलमेट सेक्सी लग रहा है. ओ गाइज हाँ, ये हेलमेट ना पता कितने का मिल जाएगा आपको? कितने का सेल कर रहा हूँ? 300 रुपए का. बहुत महंगा है यार, थोड़ा सस्ता कर दे. राइड पे चलना है? अरे कैसा है? तो आज हमारी लाइनअप कौन कौन सी है? R15M Xenoso क्रेजी यार, ड्यूक 250. तो अभी चल रहे हैं हम राइड पे. कहाँ? सिदरा रोड पे. वही एक बेस्ट प्लेस है राइड के लिए. एवरीथिंग इज प्रीमियम. तो पहले चलते हैं हम कहाँ बाइक में फ्यूल अप करवाने के लिए, देन उसके बाद राइड पे. हमारी में फ्यूल होता है, ये फुल नहीं है. मेरी वाली खून पीती है, फ्यूल नहीं पीती है. तो करते हैं गाइज बिस्मिल्लाह. और पहले चलते हैं हम पेट्रोल पंप पे, क्योंकि इसमें फ्यूल तो थोड़ा सा भी नहीं है यार. कहाँ चला गया यार? ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेते. अभी तो बाइक स्टार्ट ही की है और ये भगा के ले गए. रुको ज़रा, सब्र करो, अपना वक्त भी आएगा. क्या भगाएंगे रे बच्चे. पापा की परी बीच में आ गई. आगे से पापा के मगरमच्छ भी आ गए. देख ले देख ले, गर्दन उठा के चल रही है तेरी तरह. अरे नहीं यार, कोई भी बीट नहीं कर सकता 390 को इस 400 के सेगमेंट में, चाहे वो फिर ड्यूक 250 हो, R15 हो, या कोई भी. तो पहले करते हैं रिफिल. करें सिंपल डालो 310. ये सिंपल में अभी पावर में चलेगा. इसमें नेचुरली पावर है, इसमें पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. हाँ चलते हैं हम डायरेक्ट स्टंट पॉइंट पे. बस देखना ये है कि कौन किसको बीट करता है स्टंट पॉइंट तक. ओके मैं तो स्लो चल रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है यार मेरी पावर थोड़ी निकल जा रही है. मैं बस देख रहा हूँ चल कैसे रहे हैं. क्या यार, ये मेरा आज फर्स्ट टाइम है इनके साथ राइड कर रहा हूँ मैं. और लाइन अप पे इतनी सारी बाइक्स हैं यार, सबके नंबर प्लेट नहीं है. देखो पीछे वाले, सिर्फ एक मैं ही नमूना हूँ जिसकी नंबर प्लेट सामने शो होती है पीछे. मेरे जैसा कोई शरीफ ही नहीं है. निकालूंगा इस बीचों से. यार इनमें तो ड्रैग ही नहीं हो सकता. हाँ वो दो साथ में चले, उन दो के बीच में ड्रैग हो सकता है, बट KTM 390 के साथ नहीं. गाइस बेबी मैं खुद स्लो चल रहा हूँ, इनको खाली नोटिस कर रहा हूँ. भाई इनकी राइडिंग कैसे राइड करते हैं ये लोग. नहीं इस टाइम नाका नहीं है, बच गए. तीनों बच गए, तीन नहीं दोनों बच गए. भगाते हैं गाइस इनसे आगे. आगे सबसे आगे यार, आगे पीछे, इसीलिए आगे भगाने को मन नहीं करता है. वो बेचारा R15 वाला पीछे रह जाता है यार. R1 स्विच करना है, आ जाओ. मत आराम से चलना, पावर इसमें रहा है. ये ना हो कि तुम वहीं रहो और बाइक हाथ से निकल जाए.
तो आज मैं फर्स्ट टाइम पकड़ रहा हूँ, कौन सी बाइक है ये, NS 160। वाह क्या पावर है, उसको तो आने दो, ये दोनों आगे भाग रहे हैं। आ गया यार, नहीं सबसे पीछे, कॉर्निंग बड़ी खतरनाक होती है इस पे यार, मेरे पांव से बाइक निकल गई थी। निकलो सारे आगे, गुड। सबसे छोटी सेगमेंट में ये बाइक है 160 cc, इस लाइनअप में तभी मैं सबसे पीछे हूँ। जब तक मेरे पास 390 थी मैं सबसे आगे था, फिर भी यार बहुत बाकी है, 120 तो टच कर ही ली। अरे इसमें पांच ही गियर है, मैं तो छठा लगा रहा था, सिक्स गियर है ही नहीं। ब्रेकिंग भी इसमें बहुत अच्छी है, कॉर्नरिंग भी बहुत अच्छी होती है, बट डर लगता है। आप इसका ओपिनियन लेते हैं, कैसी रही राइड 390 पे? फर्स्ट टाइम चलाई 390। ओ भाई ये क्या है, पता लगा 153 चढ़ाई मैंने, चढ़ा ली। ओ, कैसी लगी? फर्स्ट हेलमेट उतार के एक्सपीरियंस चेक करना चाहता हूँ मैं। हाँ। रॉकेट है ये, रॉकेट। ओ भाई उल्टे कान पकड़ो, बट ये है ना। हाँ। वाइब्रेशन है, बट जो पावर है ना, इतनी जहाँ इतनी पावर हो ना वहाँ ये वाइब्रेशन निगलेक्ट की जाती है, कोई मसला ही नहीं है, वाइब्रेशन निगलेक्ट की जाती है। मैंने सोचा ना यार, मैं सोचा बहुत मतलब थोड़ी वाइब्रेशन है, जो फील आया ना कॉर्नरिंग करने में ना डर लगता सो गया। ओपिनियन लो इससे भी, ये भी है यार, तुमने उसको डरा ही दिया। इन सब सेगमेंट में से सबसे सही कौन सी है? सब अपने अपने काम में बिजी है, देखो कोई वीडियोस बना रहा है, रील्स बना रहा है, कोई मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा है यार। मैं अकेले बात कर रहा हूँ, छोड़ो मैं अपने ऑडियंस से ही बात करूँ, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है यार। यार सबसे सही जिसमें पावर है वो तो 390 है। सेकंड नंबर पे आती ये 250 ड्यूक, थर्ड नंबर पे आ जाती है R15 M, एंड फोर्थ नंबर पे 160 NS। गरीब हो गया। और हेलमेट देखो गाइस, 250 रुपए वाला भैया के, जब 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे ना। हाँ। देखो हेलमेट गिफ्ट करोगे? कोई बात नहीं यार, तुम बाइक गिफ्ट ले लेना यार, तुम हेलमेट की बात करते हो, जानो अपनी यार। तो गाइस अब ये जा रहे हैं भाई विली एक ट्राई करने के लिए, तो तैयार हो सब विली देखने के लिए? बंद हो गई। ओ 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 क्रैश 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 कर दिया कांड, लगी तो नहीं। कौन क्या शिट यार, सो चलो बाइक की खैर, लगी तो नहीं ना कहीं। बहुत बुरा लगा है यार, खैर बंदा सलामत है, इतना ठीक है, ऐसे कॉन्फिडेंस में तो अब खुशी मिल गई यार। ये भी टेढ़ा हो गया, इंश्योरेंस है ना बाइक का, तो बस टेंशन नहीं लेना यार, इंश्योरेंस तुम्हें तो नहीं ना लगी, बस कोई बात नहीं यार, इसीलिए कहा ना सेफ ट्राई करो। देखते नुकसान क्या क्या हो गया, जो विली ट्राई करते करते ऐसे हो गया, लाइट एक टूट गई बैक लाइट, अब ये तो नहीं पड़ेगी। चलो इसका कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पेंट हो जाएगा, बच गए ये वाले गार्ड्स। तो एग्जॉस्ट भी बैंड तो नहीं हुआ, रगड़ा गया है यार, ये है ये, थैंक गॉड की टांगे बच गई, और ये लेग गार्ड ये भी यार बच गया, ये नुकसान हुआ। ये इसका फ्यूल गिरा था, क्या गिरा था इसका, कूलेंट गिरा, इसका फ्यूल गिरा, फ्यूल गिरा है ना, ओवरफ्लो हो गया होगा, तुझे तो नींद ना लगी, बस कोई मसला नहीं है। अब डर गई, नाइस। ऐसे भी नहीं मारते, सीखो उनसे कुछ।
आराम से गिरना नहीं। अब बंदा डर भी गया है थोड़ा।